एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे इस चीज का इतना ज्यादा इंतजार था एंड वो फाइनली आ चुका है, यानी जिस घड़ी का मुझे बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। और मैं सो रही थी एंड उसका फोन आता है कि आपका पार्सल आ गया है, आप रिसीव करने आ जाओ। तो मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो एंड वो आपके पास आ जाए तो आपकी भी नींद गायब हो जाती है? मेरी नींद लिटरली उड़ चुकी थी एंड मैं मेकअप करके फटाफट से वीडियो बनाने आ गई हूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ अनबॉक्सिंग करनी थी। वरना मैं अपने भाई के साथ भी कर रही थी, लेकिन मुझे आपके साथ करनी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब मैं सो के उठती थी तो सबसे पहले मैं फ़ोन में डेट चेक करती थी कि कहीं आज 5th of May तो नहीं है। लेकिन मुझे मेरा पार्सल 4th of May यानी कि आज रिसीव हो चुका है, तो मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। ये पार्सल इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये मेरे फ्रेम में नहीं आ पा रहा है, तो मैं थोड़ा सा फ्रेम चेंज करूँगी एंड देन आपके साथ अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ कि मैंने मुझे क्या चाहिए था एंड वो आ चुका है। तो मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग स्टार्ट करती हूँ। चलो थोड़ा सा फ्रेम पीछे करते हैं। जो है हमारा गिटार देते। तो जब भी आप ऑनलाइन गिटार परचेज करते हैं, सबसे पहले आपको इसको अच्छे से चेक कर लेना है कहीं पर कोई स्क्रैच तो नहीं है एंड स्ट्रिंग कहीं टूटी तो नहीं है। और ये काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है मुझे, तो फाइनली मेरे हाथ में मेरा गिटार आ चुका है एंड ये काफी ज्यादा सेक्सी लग रहा है। मतलब ब्लैक में मैंने इसको देखा था एंड ये है हेनरिक्स 38C गिटार। तो अगर आप बिगनर हो तो आप इसको जरूर बाय कर सकते हो, क्योंकि मैं भी अभी मेरे को अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से जानते होगे तो आपको पता होगा कि मुझे सिंगिंग का भी शौक है। तो मैं देखती थी, मुझे भी लगता था कि हाँ भाई मुझे भी गिटार सीखना है, क्योंकि म्यूजिक मैं प्ले नहीं कर सकती तो गिटार तो कोशिश कर ही सकते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड रीजनेबल प्राइस है, आपको ये 3000 अंडर मिल जाएगा एंड का वर्थ इट है। मतलब अगर आप प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर चेक कर लेना, मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। सो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कहीं इस पर कोई स्क्रैच तो नहीं है, बॉडी में कोई क्रैक तो नहीं है एंड सब कुछ देख लो, क्योंकि इन्वेस्ट किया है तो देखना तो पड़ेगा ही। एंड इसकी वायर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है एंड अभी ये ट्यून नहीं है, मुझे इसको ट्यून करना पड़ेगा वीडियोस में देख के, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं आता है। फिर तो वेलकम बैक टू सैम म्यूजिक, जो मेरा पहले चैनल था। अभी हम फिर से उसी पे वापस आने वाले हैं। मैं मेकअप छोड़ने वाली हूँ, मतलब छोड़ूंगी नहीं। मैं तो अभी से बजाना स्टार्ट कर दूं पर मुझे आता नहीं है। तो ओवरऑल
मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है एंड आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये गिटार कैसा लग रहा है, क्या आप भी बाय करना चाहते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी स्टार्टिंग से जर्नी रिकॉर्ड करूँ, मतलब मैंने गिटार सीखने से शायद मैं कभी सपने में प्रो बन जाऊँ गिटार में, तो मैं दूसरा गिटार पे इन्वेस्ट करूँगी, पर अभी बिगनिंग के लिए मैंने यही चूज़ किया क्योंकि मैंने भी काफ़ी वीडियोज़ देखी थी, उसके बाद मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, उसके बाद ही मैंने इसको दिया है। सो गाइज, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसके लिए और ये मुझे मिल गया। थैंक यू सो मच, आई लव यू। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अब मैं मिलूंगी आपको मेरे गिटार के साथ, हर वीडियो में तो नहीं मिलूंगी क्योंकि मेकअप भी करना है मुझे, तो बीच बीच में अपना अपडेट देते रहेंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय।